सो गाइस फाइनली आज हम बताने वाले हैं आपको 1 लीटर में बाइक कितनी चलेगी। मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं बाइक के अंदर जो है एक ही पॉइंट रह गया है जहां भी ख़त्म हो जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल हमने पेट्रोल पंप से लेके अपने बैग में रख लेनी है। जहां भी ख़त्म हो जाएगा वहीं से हमारा माइलेज टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम 1 लीटर क्या है, 1 लीटर की बोतल में हम पेट्रोल फिल करा लेते हैं पूरी और अपने बैग के अंदर डाल लेते हैं। जहाँ भी ख़त्म होगी वहीं पर हम डाल लेंगे पेट्रोल पूरी और चल देंगे वहीं। तो गाइस चलिए चलते हैं, अपडेट आपको जल्दी देते हैं, देखते हैं आज 1 लीटर में कितना चलेगी बाइक। मैं बता दूं आपको, काफ़ी टाइम बाद मेरे बाइक की जो है फ्यूल टैंक वो ख़त्म हो जाएगा आज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही पॉइंट रह गया है। तो चलिए चलते हैं, अपडेट आपको जल्दी देते हैं। तो गाइस फाइनली हम 1 लीटर पेट्रोल डलवा लें, पूरी 1 लीटर पेट्रोल करा लो, बिल्कुल पूरी बोतल भरवा लो। सकते हैं गाइस 1 लीटर पेट्रोल हो गई 106 रुपये, ठीक है भाई। ये देख सकते हैं पूरी बोतल फुल हो गई। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि बाइक के अंदर बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है ये, और बाइक के अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। मैं आपको बता दूं, तो गाइज फाइनली मैं आपको बता दूं, 1 लीटर पेट्रोल हम लोगों ने ले ली थी और बैग में डाली थी, आपको दिखाया था। बाइक की जो मीटर है वो ब्लिंक कर गया है, आप देख सकते हैं गाइज। फ्यूल टैंक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, बाइक के जो टंकी में पेट्रोल डाल लेते हैं 1 लीटर, भाई डाल दो तुरंत एकदम फटाक से, और देखते हैं बाइक चलती कितनी है। अब ब्लिंक कब करती है ये दिखा देंगे हम आपको। गाइस 1 लीटर पेट्रोल हमने बाइक के अंदर डाल दिया, आपको दिखा दूं मैं 1 लीटर में कितने, सॉरी, चलो बैठो। तो गाइज मैं आपको बता दूं, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर आपका जो है 2 सेल अंदर हो जाएंगे, मतलब फ्यूल टैंक में 2 सेल आ जाएंगे 1 लीटर में। ट्रिप 1 है और 0.0 किलोमीटर है। देखते हैं जो लास्ट वाला सेल है कब ब्लिंक करता है, क्योंकि ब्लिंक करेगा जब भी पता लग जाएगा कि 1 लीटर में कितना चली है। ओके गाइज, ऑलराइट गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बाइक को मैं राइड कर रहा था, तो मैंने जब बाइक को रोका था तो मैं अपने गोप्रो का माइक लगाना भूल गया, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाइक मैंने 16 किलोमीटर राइड कर ली है, और 16 किलोमीटर राइड करने के बाद इस बाइक के अंदर 1 सेल रह गया है। मैं आपको ऑलरेडी बता दूँ कि बाइक के अंदर मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला था आपके सामने, जो कि बाइक का जो मीटर है 1 सेल जो है लास्ट का रह गया था, वो ब्लिंक करने लग गया था। अब जो है 17 किलोमीटर राइड कर लिया, आप देख सकते हैं मीटर के अंदर, तो बाइक के अंदर 1 ही सेल रह गया है देखने को मिलेगा आपको, जो कि देख सकते हैं आप। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हर तरीके से मैंने 16 किलोमीटर में राइड किया है। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं कितना चलती है, स्पीड भी चलाऊं, हाई स्पीड भी चलाऊं, 80 प्लस 85 चलाऊं, लिमिट रही है 85। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं, 70 प्लस 70 टू 85 चला हूं मैं, और भाई बैठा है पीछे आपको पिलियन के साथ में। मैं आपको एवरेज दिखा रहा हूं इसका, नॉर्मल जो भी दिखाना है मेरे को, पूरा क्लियर दिखा रहा हूं मैं आपको। बाकी चलते हैं गाइस, आपको अपडेट देते हैं आपको, मैं बताता हूँ जितना भी चलती है बाइक को पूरा अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 1 लीटर में कितना चलने वाली है मैं पूरा एक्सप्लेन इसी वीडियो में कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइक 1 लीटर में कितना चल जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बाइक हमने 30 किलोमीटर राइड कर ली है, और अभी तो जो लास्ट वाला सेल है उसने अभी ब्लिंक करना चालू नहीं किया है। अभी मैं आपको बता दूं, आपको अगली अपडेट आपको जल्दी देता हूं। तो गाइज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाइक की जो मैं आपको बता दूं, बाइक जो है 50 किलोमीटर चल चुकी है, और मैं आपको बता दूं बाइक के जो लास्ट वाले सेल ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि ये जब ब्लिंक कर रहा था, जब मैंने इसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डाली थी, और अब बाइक का जो सेल है वो ब्लिंक कर चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी आपको सीधा सा समझ में आ गया होगा कि 1 लीटर पेट्रोल में बाइक 50.3 किलोमीटर चल गई है, 50 किलोमीटर बाइक चल गई है, 50 किलोमीटर 300 मीटर बाइक चल गई है। मैंने इस बाइक को हर तरीके से चला के देखा है, मैं आपको बता दूँ पूरा प्रॉपर। मेरे साथ भाई बैठा था, पिलियन पर भी बैठा था एक बंदा, पिलियन के साथ चला के देखा है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि बाइक जो है मैंने हर तरीके से चला के देखी है, 80 की स्पीड, 70 की स्पीड, और नॉर्मल मैं आपको बता दूं 30 की स्पीड पे मैंने बाइक चलाई है, क्योंकि बाइक चलाई है 50 किलोमीटर, तो सारे एक्सपीरियंस मैंने 50 किलोमीटर के अंदर बिल्कुल कवर कर लिए हैं। तो बाइक का नॉर्मल एवरेज जो रहने वाला है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हर तरीके से किसी भी तरीके से चलेंगे तो 45 टू 50 तो रहने ही वाला है मेरे हिसाब से। तो बाइक का जो एवरेज जा रहा है हर तरीके से, आप मानो या ना मानो, 50 प्लस जा रहा है, बट फिर भी आपको मैंने पूरा एक्सपीरियंस करके दिखा दिया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइज मिलते हैं आपसे अगली बार एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी ये लास्ट जो ब्लिंक कर रही है लाइट, इसके लिए हमने 1 लीटर पेट्रोल और एक्स्ट्रा
मतलब बोतल में अंदर करके रख ली थी, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कहीं जहाँ भी पेट्रोल ख़त्म होगी पता नहीं क्या पेट्रोल पंप हो या ना हो, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके रख ली थी अपने लिए। अब हम इसको डाल के और हम निकलते हैं घर को। चलो भाई ठीक है, ओके गाइस।